सुल्तानपुर लोधी विच गुरद्वारा श्री अकाल बंगा साहिब दे अधीन दो होर डेरियां ते कंट्रोल स्थापित करना निहंग सिंह समूह विचकार कुनी टकराव दा मुख कारण है। दूजी वार निहंग धड़े गुरद्वारा श्री अकाल बंगा नेड़े 6.75 एकड़ जमीन नू लैके वार वार आपस विच टकरा कर रहे हैं। इस विच कुनी झगड़ा होया है, इसलिए जिथे अंदरूनी राजनीति जिम्मेवार है उत्थे ही इन्हां दी कीमती जमीन ते गिद्ध दी अक्क है, क्योंकि इत्थे 1.25 एकड़ च धार्मिक स्थान की इमारत अते रिहायश है, बाकी 5.5 एकड़ जमीन खेती योग है जिसकी मौजूदा कीमत करोड़ों रुपए है। सब तो दिलचस्प गल यह है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सारी जमीन वकफ बोर्ड के नाँ दर्ज है। दस दईए कि यह विवाद श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब तो शुरू हो गया सी, जिसनों भड़काने विच राजनीति ने अहम भूमिका निभाई सी। उदों तो लैके हुण तक निहंग सिंह धड़े 3 वार आपस में भिड़ गए और 4थी वार पुलिस नाल हुई झड़प ने कूनी टकराव का रूप धारण कर लिया। जिला प्रशासन जिथे इस मामले विच पूरी तरह फेल साबित होया, उत्थे ही पुलिस का खुफिया तंत्र भी फेल साबित होया है। जानकारी अनुसार गुरद्वारा श्री अकाल बंगा पिछले कई सालों तो श्रोमणी पंत अकाली बुढ़ा दल चलदा वहीर चक्रवर्ती पंजाब दे मुखी मान सिंह तड़े ते कब्जे हेठ सी। 4 साल पहले 550वें प्रकाश पुरब मौके बुढ़ा दल दे मुखी बाबा बलवीर सिंह ने पुलिस की मदद नाल गुरद्वारा साहिब की 96वीं करोड़ी ते कब्जा किया सी। इस तो बाद 21 नवंबर मंगलवार को श्रोमणी पंत अकाली बुढ़ा दल चलदा वहीर चक्रवर्ती पंजाब के प्रधान मान सिंह धड़े ने आके मुड़ कब्जा कर लिया और गुरद्वारा साहिब की परिसर च अंदर मौजूद बलवीर सिंह धड़े के सेवादार निरवैर सिंह जगजीत सिंह नू भजा दिता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।